हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ी पोस्ट के बारे में जिसका नाम है सेल्समैन। जी हां, अगर आपका इंटरेस्ट सेल्समैन बनने में है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा सेल्समैन क्या काम करता है, सेल्समैन को कितनी सैलरी मिलती है, सेल्समैन कैसे बन सकते हैं और सेल्समैन को क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेंगी बैंकिंग फील्ड में। और आज का ये वीडियो स्पेशली है HDFC बैंक के लिए। तो अगर आपका ड्रीम जॉब HDFC बैंक है, आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं HDFC बैंक से, तो आज का वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि एक सेल्समैन का काम क्या क्या होता है। देखिए बेसिकली सेल्समैन का जो काम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सेल करना है। HDFC बैंक के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर कोई ना कोई सर्विसेज सेल करनी होगी, लोगों को ले जा करके बेचनी होगी। अगर आपके अंदर बेचने की कला है तो आप एक सेल्समैन बन सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आप सभी को, HDFC बैंक में या फिर किसी भी बैंक में अगर आपको जाना है तो सेल्स आपका पहला ऑप्शन हो सकता है और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आप सेल्स को चुन सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को लगता होगा कि सेल्स ऐसे ही बकवास सा करियर है या फिर बेकार सी चीज़ है, कहाँ हम गर्मी में धूल धूप में धक्के खाएंगे। तो आपको मैं बता दूं भैया, दुनिया का सबसे रईस आदमी, आज तक का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला आदमी भी कुछ ना कुछ सेल्स निकालता है, कोई ना कोई सामान सेल करता है। तो आप भी अगर अपने करियर की स्टार्टिंग करना चाहते हो, करियर की शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आप HDFC ज्वाइन कर लो। इसके बाद आपके अंदर अगर डिज़ायर है, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, आप चाहते हो कि नहीं दुनिया पर राज ही करना है सर, तो फिर आप सेल्स के फील्ड में आगे भी जा सकते हो, तगड़ी तगड़ी चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल एक सेल्समैन HDFC बैंक में क्या काम करता है ये समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बैंकिंग फील्ड में फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पैसा हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर इसके अलावा कई तरीके की पॉलिसी होती हैं, कई तरीके के बीमाज होते हैं, कई तरीके के लोन्स होते हैं। जी हाँ, इन्हीं के बेस पर बैंक एक्चुअली में काम करता है। तो आपको भी या तो बैंक अकाउंट को सेल करने का जॉब मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड सेल करने का जॉब मिल सकता है, या फिर आप कोई लोन डिपार्टमेंट जा सकते हो, या इसके अलावा कोई पॉलिसी वगैरह का काम भी आप देख सकते हो। तो आपको ये सारे काम सेल्स के दौरान करने पड़ सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में मिलता है भैया HDFC बैंक में, ठीक है। तो आप सेल्समैन ज़रूर बन सकते हैं और ज़रूर बनिएगा। तो जी हाँ, यही था एक्चुअली में HDFC बैंक में सेल्समैन का काम। इसके अलावा HDFC बैंक में और सभी बैंकों में सेल्स के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत तरीके से सेल्स होती है। तो आप अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 1, सेल्समैन का जॉब रोल, वर्क प्रोफाइल। आई होप क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है स्किल्स एंड एजुकेशन। जी हाँ, देखिए बैंकिंग फील्ड में अगर आपको जॉब लेनी है दोस्तों, तो भैया कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम क्या 12th के बेस पे भी जॉब ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपको चाहिए एक तगड़ा रेफरेंस, एक बढ़िया सा रेफरेंस चाहिए। आपका रेफरेंस मैं ही बन सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, अपना डायरेक्ट मैसेज करना, DM करना, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपका रेफरेंस भी बन सकता हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ है मैक्सिमम ग्रेजुएशन। जी हाँ, HDFC बैंक में जाना है तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए अगर डायरेक्टली जॉब लेनी है तो, किसी के रेफरेंस से नहीं जाना है तो। और अगर आपको रेफरेंस से जाना है तो आप 12th क्लास के बेस पे भी जॉब ले सकते हो, अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी एजुकेशन का, पढ़ाई का, लिखाई का खर्चा वहाँ से निकाल सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चाहो तो MBA भी कर सकते हो, तो भी आप बैंक ज्वाइन कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। साथ साथ अगर आपने करना है कि नहीं सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें तो अभी जॉब चाहिए, आपने अगर BSc की है या फिर BCom किया है या फिर BA किया है, BSc किया है, कुछ भी सब्जेक्ट से कुछ भी पढ़ाई की है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट है जो ग्रेजुएशन का है, आप यहाँ पर इजिली सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपके पास कोई तगड़ा सा डिप्लोमा है तो आपको उसकी हेल्प से भी जॉब मिल सकती है। तो अगर आपके पास है, अच्छी बात है। देखिए एजुकेशन की बात हो गई और साथ ही साथ हमने बात कर ली है जॉब रोल प्रोफाइल की। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है एक्चुअली में रिक्वायर्ड स्किल्स, कि भैया एक सेल्समैन बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। देखो बैंक जो है ना, या फिर मैं बोलूँ HDFC बैंक जो है ना, या फिर मैं HDFC बैंक को भी साइड रख दूँ, अगर मैं बात करूँ सिर्फ प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी डिग्रियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हैं। वो कहती हैं भैया हमें ऐसे बंदे दे दो जो एक्चुअली में स्किल्ड हैं, जिनको काम करना आता है, जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे हों फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भैया बेसिक सा ग्रेजुएशन तो कम से कम हुआ होने चाहिए ना, कम से कम, ठीक है। जो बहुत ही कम वैल्यू है, जैसे BCom कर रखा है, MCom कर रखा है, या BSc कर लिया, BA कर लिया, कुछ भी है तो ठीक है, लेकिन इन सब की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए बैंक मांगता है। बैंक को चाहिए स्किल्ड। कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने जरूरी हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए नंबर एक है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी बोलनी आती है तो आपके अंदर एक खासियत ऐड हो गई जो है आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे बोल पाते हो तो आपको जॉब चुटके में मिल जाएगी। पहली चीज़ हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सीखना चाहते हो हिंदी के कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, सेम तरीका इंग्लिश में भी अप्लाई होगा। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में इंप्रूव करनी है, बहुत अच्छी बनानी है, तो आप हमारी बुक परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीमत है 49 रुपीज़। जाइए फटाफट से परचेज कर लीजिए। पहली स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास है नॉलेज ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, देखिए आप HDFC बैंक में जा रहे हो, एज ए सेल्स ऑफिसर जा रहे हो, एज ए सेल्स मैनेजर जा रहे हो, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जा रहे हो, या फिर एज ए सेल्समैन जा रहे हो, तो आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जो है आपकी फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज। जी हाँ, फाइनेंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिनेंस में एफए क्या मतलब है और भी बहुत कुछ। अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जाके पढ़ सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो। तीसरी स्किल हमारे पास है नॉलेज ऑफ सेल्स। जी हाँ, आप जा ही सेल्स वाले फील्ड में रहे हो तो आपके पास सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, सब कुछ तो यार यूट्यूब पर अवेलेबल है, सीख सकते हो। सेल्स सीखने के लिए एक्चुअली आपको मार्केट में भी उतरना पड़ेगा, तो आप मार्केट में ज़रूर से उतरिएगा और सेल्स को सीखिएगा। इसी के साथ साथ स्किल नंबर 4 हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। जी हाँ, देखिए आप सेल्समैन जा रहे हो तो भैया किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से, किसी ना किसी पेपर से आपका लेना देना 100% होगा। अगर आप किसी का क्रेडिट कार्ड देते हो, अगर आप किसी को कोई अकाउंट खोल कर देते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट तो ये चाहिए लगने वाले हैं। उन डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू है, उन डॉक्यूमेंट को कैसे रखना है, कैसे ब्रीफ करना है, कैसे समझाना है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे पास है स्किल नंबर 5 ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। अगर आपकी नौकरी लग जाती है, फिर आपको अच्छे सेल्स लेकर आना है, अच्छे लीड्स जनरेट करनी है, तो जाहिर सी बात है भैया अच्छे कपड़े पहनोगे, समझदारी वाले कपड़े पहनोगे, तो आपसे लोग मुतासिर होंगे। आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से कपड़े पहनते हो, अच्छे से बात करते हो, तो भैया कपड़े अच्छे पहन के जाना। कोट पैंट नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोट पैंट पहन के निकल जाओ, नहीं, फॉर्मल पहनो, जो भी पहनो, लाइट पहनो, हल्का पहनो, और पहनो ज़रूर। दोस्तों ये 5 स्किल्स में से कोई भी स्किल मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बुक परचेज करके सीखो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, अपनी CV में जरूर मेंशन करना, एग्जामिनर को खुशी मिलती है कि कितना स्किल्ड बंदा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। HDFC बैंक में एज ए सेल्समैन आपको कितनी सैलरी मिलेगी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप कभी भी नॉर्मल सेल्समैन मत बनिए, सैलरी बेस्ड सेल्समैन नहीं बनिए, आप बनिए कमीशन सेल्समैन। ठीक है, कमीशन वाला सेल्समैन बनिए। मान लो मैं ये एक पेन बेचता हूं तो सर मुझे इस पे कितना कमीशन मिलेगा, ये इस पेन की कॉस्ट है 3 रुपए। अगर आपने ये पेन सेल किया तो हम आपको 0.5% का इंसेंटिव देंगे। तो आप जितना ज्यादा सेल करोगे मंथ के अंदर, उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव देखने के लिए मिलेगा। इससे यही फायदा है कि भैया काम तो करना है, थोड़ी और मेहनत से कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक फिक्स सैलरी पे काम करते हो तो आप मन से काम नहीं करोगे, आप सोचोगे कोई नहीं, बिक रहा है बिक जाए, ना बिक रहा है मत बिको, मेरी सैलरी तो फिक्स है। लेकिन अगर आप कमीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते हो, कमीशन सेल्समैन बनते हो, तो आपकी सैलरी बहुत तगड़ी बैठ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कमीशन सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है, कमीशन सेल्समैन बनना है। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग सैलरी की तो 17 से 18 हज़ार रुपये के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। इस सैलरी का एंड नहीं है। और हाँ, सबसे ज़्यादा सैलरी भी सेल्समैन की होती है, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे फिर वो कोई भी बैंक हो। साथ ही साथ एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी बता रहा हूँ, ये एक फिक्स सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव बेस्ड जॉब होती है, टारगेट बेस्ड जॉब होती है, बोनसेस देखने के लिए मिलते हैं। सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही 25-30 हज़ार बैठ जाएगी अगर आप सेल्समैन की पोस्ट पर जाते हो। तो काम करना है, सेल्समैन ही बन जाइए, बहुत ही आसान चीज़ें हो जाएंगी। कुछ दिन दिक्कत आएगी लेकिन कुछ दिन के बाद आपसे ज़्यादा मौज कोई नहीं ले रहा होगा। ये था पॉइंट सैलरी का। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस क्या है। देखिए अप्लाई प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल सा है, सारी चीज़ें समझाऊंगा, किसी भी बात को मिस मत कर देना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि उससे वीडियो थोड़ा रैंक हो जाएगा और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। चलिए अप्लाई प्रोसेस समझते हैं। देखिए अप्लाई प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है आपका रिज्यूमे, आपका CV, आपका बायोडाटा। अगर आपने 10-20 रुपये दे के साइबर कैफे से एक रिज्यूमे बनवाया हुआ है और आप सोच रहे हो कि इसी रिज्यूमे के बेस पर हमें नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, आपका रिज्यूमे ही ख़राब है। बहुत सारे लोग मुझे रिज्यूमे भेजते हैं, भैया एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, और मैं सभी के चेक करता हूँ, सभी के रिज्यूमे वही हैं जो कॉपी पेस्ट करके बना के दिए हैं साइबर कैफे वाले बंदे ने। उसको नहीं पता कि भैया कहाँ पर क्या लिखना है, उसके पास एक फॉर्मेट है, सभी को वही डाल के दे रहा है, तो उससे आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जो HR है ना कंपनी का, ठीक है, HDFC बैंक का, उसको 1 लाख 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है बंदों को हायर करने की। तो अगर आपका रिज्यूमे उसके पास पहुंचा जो आपने साइबर कैफे से बनवाया था, 10-20 रुपये देखते ही मना कर देगा, भगा देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी इज्जत की भी वाट लग जाएगी। अगर आप काबिल तारीफ बंदे हैं तो भी मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि एक बढ़िया रिज्यूमे बनवा लो। कॉन्टैक्ट नंबर 11 अभी फिलहाल 200 रुपये आपसे लिए जाएंगे, बेहतरीन रिज्यूमे होगा, ठीक है। एग्जामिनर देखते ही बोलेगा ये बंदा भाई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करके पता कर लो कैसे कैसे बनेगा, क्या चीज़ें होंगी, कब मिलेगा, सब कुछ पूछ लेना, उसके बाद पेमेंट करना। चलिए अब क्या करना है, अब तो आपके पास रिज्यूमे भी आ गया। देखिए सबसे पहले आप जाइए लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे जाने के बाद अपने एरिया को फिल्टर कीजिए। अपने एरिया के 50 किलोमीटर के दायरे में, 40 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के सर्कल में कोई भी बैंक देखिए और लिंक्डइन पर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई जॉब देखिए। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जो वॉक एंड ड्राइव होती हैं, आप जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, बल्क हायरिंग चल रही होती है, तो आप भी कर सकते हो, उसमें इंटरव्यू दे करके जॉब ले सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दिया है आपको, आप हमारा वाला रिज्यूमे उस साइट पर अपलोड करके रखो, 10 से 15 दिन में आपके पास कॉल आएगी, आपको बताया जाएगा इंटरव्यू कहाँ है, कैसी चीज़ें हैं, आप वहां से भी जॉब ले सकते हो। साथ ही साथ आपका कोई जानता हुआ बंदा है जो पहले से HDFC बैंक में काम कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट मारो कि भैया प्लीज़ यार देख लो, अगर हो सके तो मेरी जॉब लगवा दो, और वो लगवाएगा, उसको भी फायदा है, उसको 5-7 हज़ार रुपये मिलते हैं एक बंदे की जॉब लगवाने के, ठीक है। तो आप बिल्कुल बोलिए, बेशरम बन जाइए, पीछे पड़ जाइए कि सर लगवा के दीजिए, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं आपका तब तक आप लगवाओगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से लोगों से अपना काम निकालिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, गलतियाँ मानते हुए अपना काम निकालिए, फिलहाल अपना काम निकालिए, बाकी काम बाद में। इस वाले वीडियो से क्या सीखा कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कमेंट्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।